व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया पे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग भी, आपके अंदर जो बात है, जो आपने अंदर अपने रखी हुई है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने रखी होगी, वैसे ही आप ओके जनरल पॉइंट ऑफ व्यूज जो होते हैं वो आप लोग हमसे डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है, आप हमें ऑन एंड ऑफ कॉल कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही कॉम्पिटेंट एंड रिनाउंड जो हैं गेस्ट मौजूद हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था, हमारे पास हैं शमीम काजमी, सोशल वर्कर भी हैं और सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? One tries to be good as much as possible. और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अजमल शोभी साहब, जिनकी आवाज़ का जादू जो है वो आप सुनते रहते हैं FM पर, और रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं डेफिनेटली। हम उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मीडिया है, पहले तो मीडिया के मीडियम्स कितने हैं ये तो हम मैम से पूछते हैं। मैम, हमारे पास मीडिया के जो मीडियम्स हैं कितने हैं और कौन से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कौन से कम इफेक्टिव हैं? देखो, बात ये है कि जब पाकिस्तान शुरू में बना था तो हमारे पास रेडियो था और रेडियो को हम सुनते थे, और बल्कि हर घर में रेडियो भी नहीं था, मगर आ गया प्रिंट मीडिया है, यानी ऑडियो में रेडियो आ गया। अब विजुअल जब से आया है वो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी मीडिया है, क्योंकि यह आपकी, आपके जहन को, आपकी आँख को और आपकी समात को, यह आपकी तमाम वो हिस को काबू में कर लेता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि खाली समात या खाली देखना या खाली पढ़ना वो तो एक आपका सेंस है ना, बॉडी का एक सेंस है जो काम कर रहा है। यहाँ पे जब से ये हमारा आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज सच, जिसमें मैं बहरहाल अपार्ट फ्रॉम टेलीविज़न मैं कंप्यूटर को भी शामिल करूँगी, मैं मोबाइल को भी शामिल करूँगी, ये तमाम चीज़ें अब एक मैं तो समझती हूँ सैलाब और तूफ़ान की शक्ल में आ चुकी हैं। और एक आम आदमी का इससे मुतासर होना या इससे बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये इट्स अ बिग रेवोल्यूशन एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, जहाँ पे तालीम की कमी है, जहाँ पे जहन हमारे इतने पुख्ता नहीं है, वहाँ पे ये हकीकत में एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है और एक बहुत बड़ा सैलाब या तूफ़ान आया है, जिसको हमने बहुत अक्लमंदी के साथ यानी उसको हमें हैंडल करना चाहिए। हाँ, वो मैं समझ रही थी मैम कहने वाली, बहुत अकलमंदी से हम हैंडल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तभी तो ये शो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ अजमल शोभी साहब भी बैठे हैं। सर, आप बताइए, यू आर अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, बहुत ही एक ऐसा मीडियम है, जब टीवी हमारे पास नहीं होता, कार ड्राइव कर रहे होते हैं या वैसे बोर हो रहे होते हैं और लाइट चली जाती है, तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी लोग एफएम सुन रहे होते हैं, तो एफएम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गया। बहुत सारे एफएम के चैनल्स हैं, इनफैक्ट मैं भी सुबह भी शेयर कर रही थी, 127 एफएम चैनल्स को लाइसेंस इशू हो चुका है। तो सर, अब बताइए कि एफएम जैसे रेडियो जैसा मीडियम कैसे अफेक्ट करता है हमें? इफेक्ट तो बिल्कुल करता है, क्योंकि मैं बात के जैसे भी मैडम ने बोला कि वो चैनल्स अब तो बहुत सारे, सैलाब आ चुका है, बल्कि अब तो रेला पूरा बहा के हमें ले जा रहे हैं, हम सब लगे हैं उसी के पीछे लगे हैं। मगर रेडियो की बात, सिर्फ अगर रेडियो को देखा जाए तो रेडियो पहले सिर्फ रेडियो पाकिस्तान ही था हमारा। अब वो बड़े घर में बड़े बड़े डब्बे हमारे रखे होते थे बचपन में, देखते थे शुरू में ऑन करते थे, आधे घंटे बाद ऑन होता था, कवर वर बना के गिलाफ बना के सजा के, चलता नहीं था तो मुक्का मार के चलाते थे, तो वो सब होता था, आधा घंटा गरम भी तो करते थे, अजीब मतलब बड़ा वो उसके लेसों के साथ जो हमने बना के कवर रखते थे गिलाफ होते थे, उसके वक्त के साथ साथ वो फिर ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल उसका सिलसिला खत्म हो गया, क्योंकि वो फिर एक टीवी हमारे पास टीवी भी एक ही चैनल था पाकिस्तान टेलीविजन। मगर ये कि जब ये थोड़ा सा चेंज हुआ हमारा पाकिस्तान में पहली बार जब हुआ, तो ये एफएम इंडस्ट्री ने जब एक कदम रखा यहाँ पर, तो उसके बाद तो फिर ये कि आप देखें कैसे कि पूरे पाकिस्तान में सब मतलब एफएम चैनल्स की बहुत इंडस्ट्री बन, बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है। फर्स्ट एफएम स्टार्टेड इन 1995 में हुआ, फर्स्ट प्राइवेट चैनल आई थिंक 1990 में आया था हमारे पास, उसके इससे पहले सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट का था हमारा। मैं जिस चैनल से मेरी वाबस्तगी है शुरू से आज तक, वो 95 में मतलब एक बाकायदा तौर पर जो एफएम इंडस्ट्री में उसने कदम रखा, 23 मार्च 1995 को लॉन्च हुआ वो चैनल, तो इत्तेफाक से पहले दिन से मैं ज्वाइन किया, तो आज तक पता नहीं अजीब कौन सी वो गम लगी थी, मैं चिपका हूँ मैं तो भारत की। इससे चैनल्स के हवाले से ये कि चैनल्स हमारे एफएम चैनल्स स्टार तो मैंने अच्छा किया बहुत,
और अच्छे चल भी रहे हैं, मगर जब वो कहते हैं कि एक रेला आता है ना, अच्छा चलना आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छे से मुराद ये कि लोगों को सही इन्फॉर्मेट भी कर रहे हैं और कुछ गाइड भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ है, मगर वक्त के साथ साथ जब रेला आता है तो रेले में फिर आपको बताया कि उसमें अच्छे बुरे साबर सब आ जाते हैं। इस वक्त मैं खुद उससे वाबस्ता हूँ, मगर मैं खुद ये कहूँगा कि हमारे कुछ चैनल ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारी जनरेशन, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने जब शुरू किया एफएम को तो एक और चीज़ थी, दौर भी अलग था, अब जो दौर है वो हम तेईस 17 साल आगे पहुंच चुके हैं स्टार्ट से लेकर। माफ कीजिए, दौर तो बदला है लेकिन दौर को ये अब चैनल्स भी दौर को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं और बहुत गलत तरीके से भी दौर बदल रहा है, बिल्कुल बदला है। हमने मतलब इंडस्ट्री ने, इसने इंडस्ट्री को बदल दिया, लोगों के जहन को, सोच को मतलब बहुत ज़्यादा वसी कर दिया, लोग इससे आगे निकल, मगर वक्त के साथ साथ थोड़ा सा क्या हुआ कि अब जब जिस दौर में हम पहुंचे यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा हमें नुकसान भी दे रहा है, थोड़ा सा नहीं, मैं तो समझ मतलब इसकी बहुत जब वो कहते हैं नहीं वो मैं थोड़ा सा इसलिए कहूंगा पॉजिटिव दोनों हमारा ये है। मैम आपको क्या लगता है, क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव है? आई एम मोर कंसर्नड फ्रॉम वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी पूरी लाइफ 40 साल मैंने डाउन टू अर्थ, जिसे कहिए ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, मैं अब भी कर रही हूँ, एंड आई ट्रेवल ऑल ओवर पाकिस्तान, समंदर पहाड़ कोई जगह मुझसे बाकी नहीं है, आई एम अ प्रैक्टिकल वुमेन, आई गो एवरीवेयर। मैं जो मीडिया का देख रही हूँ, मैं मीडिया की तारीफ करती हूँ और मैं कहती हूँ मीडिया दो धारी तलवार हो गया है। एक तरफ मीडिया का फ़ायदा है फ्रॉम वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताऊँ कि हमें जो बहुत फ़ायदा मीडिया से पहुँच रहा है कि रिमोट एरिया में अगर औरत के साथ कोई वाकया होता है तो मीडिया उसको ले आता है, ले आता है सामने, नवापुर वाकये से लेकर के अब तक जो हमारे सामने केसेस आए हैं, एज अ सोशल वर्कर हमारे लिए बड़ी चीज़ है कि हम अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मगर मुश्किल ये हो गई है कि अब मैं देख रही हूँ कि चैनल्स में इतना कंपटीशन हो गया है कि बगैर रिसर्च किए आप चीज़ों को सामने ले आते हैं। जब हम इस सोशल वर्कर फील्ड में जाके स्क्रूटनी करते हैं तो पता चलता है मामला बिल्कुल बरक्स है। यही बात मैं कहना चाह रहा था, तहकीक नहीं है। और आप माशाल्लाह, आई एडमायर माय यूथ टुडे बिकॉज आई कॉल माय सेल्फ एज अ फेल्ड जनरेशन। देखिए हम लोग तो फेल हो चुके हैं, पाकिस्तान जहां पहुंच गया है मैं उसमें शामिल हूं और मैं समझती हूं वी आर अ फेल्ड जनरेशन। हमारी होप तो आप जैसे यंग लोग हैं, मगर यंग लोगों में अभी मीडिया भी नहीं मैच्योर हुआ है। मुझे एक बात पे बड़ी हंसी भी आती है कि जब हमारे मीडिया के चैनल्स आते हैं ना तो बड़े मैच्योर एंकर पर्सन ये बैठ के कहते हैं ये खबर सबसे पहले हमारा मीडिया ने सुनाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे आते हैं अम्मा अम्मा मैंने ये काम कर लिया, और अम्मा हाँ बेटा बेटा बड़ा अच्छा काम किया। दैट शो द इमेच्योरिटी ऑफ द मीडिया। मीडिया अभी इमेच्योर हुआ है। और आप यकीन माने मैं आपको बताऊं, जब मैं गलियों में काम करने जाती हूं, औरंगी कोरंगी और ये गरीब बस्तियों में, जहां आप खाना नहीं कहेंगे मगर टेलीविज़न ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, बिल्कुल टेलीविज़न। वो बच्ची 18 साल की जब टीवी पर ड्रामे देख रही है कि घर से भागना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप से बदतमीज़ी करना बहुत ज़रूरी है, और सुपर मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है, वो भी घर से भागने लगती है, वो भी घर से वो करने लगती है। हमने अपनी इकदार को मीडिया के थ्रू क्रश किया है। मुझे एक बात बताएं, क्या खबरें पढ़ने के लिए कोट पतलून पहनना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, हमारे तो बहुत जरूरी है इस वक्त। असल में पता, मैं मैडम आपकी बात काट रहा हूँ, मैं जो जहाँ आ रहा था वो यही बात थी कि हम जब वो रेले में, अब वो कुछ मतलब कुछ ऐसे हैं कि जिनकी रिसर्च है, मगर बात है कि हम इस दौर में इनसे पहले मैं आगे पहुंच जाऊँ तो मैं बगैर रिसर्च के उस बात को आगे पहुंचा देता हूं। फिर वो कहते हैं बाद में माफी तलाफी हो, बाद में फिर हो जाती है, ठीक है जी वो ये था वो था फलाना था, जो हमने जो खबर को इस तरह किया, हम उसको रिसर्च करके हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये कह, तो ये मतलब यही है कि जब रेला आता तो उसमें अच्छे के साथ बुरे सब बीच में, और जब बोहतात होती है तो फिर पता ही चलता उसमें क्या हो रहा है। अभी देखे कि वो गैस का सिलेंडर फटा था तो हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट, और फिर आधे घंटे बाद नो नो इट वाज ओनली अ गैस का सिलेंडर। इस पे बात करते हैं मैम, वो ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन चल रही है, स्टे ट्यून्ड।